डियर रिलीजियस फ्रेंड्स, सेजिटेरियस, धनु लग्न। देखिए, फेब्रुआरी का ट्रैवलिंग खत्म हो चुका, जनवरी और दिसंबर का स्ट्रेस भी बाय बाय कर चुका। यह महीना है मार्च महीना, आपके कर्म क्षेत्र पर मोहर मारने का। नौकरी करते हो या धंधा करते हो, प्रमोशन मिलना चाहिए, वर्क एक्सपांशन होना चाहिए। 15 दिन में, 15 दिन तक का टाइम बहुत अच्छा है मार्च का, टेक द एडवांटेज। कोई रिस्क लेना हो बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, कोई पार्टनरशिप में नया काम शुरू करने का सोच रहे हो, बढ़िया टाइम, आगे बढ़े। और बाकी का 15 दिन है ये आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा चेंज करने का टाइम है, बहुत बड़ा आंकड़ा आगे पीछे करेंगे इसमें। दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बाकी के 15 दिन है आपके पास, यानी कि मैं इस महीने को बहुत आपके लिए लकी मानता हूं, बहुत वक्त के बाद आया हुआ महीना है। टेक द एडवांटेज एट द वर्क प्लेस, कर्म क्षेत्र पर इसका पूरा फायदा लीजिएगा। दोज हु आर डूइंग जॉब, उनके लिए देखिए 6, 11, 16, 17 बेस्ट है आपके लिए, ये तारीख बहुत बेस्ट है काम धंधा करते हैं उनके लिए। और बिजनेस वालों के लिए मैंने बोला कि कर्म क्षेत्र पर आपकी नजर लग रही है, कुत्ते को खाना खिलाइएगा, 3 कंबल का दान करिएगा। और जो लोग ऐसे हैं, जो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी नजर लगती है, ऐसे लोगों को आपके वर्क प्लेस पर नहीं लाइएगा, और हो सके तो गले में रुद्राक्ष धारण करिएगा। 2025 तक करना ही पड़ेगा, रात को निकाल दीजिएगा ये रुद्राक्ष को। 4 और 5 तारीख आपके वर्क प्लेस पे कॉरल से बचिएगा। 7 और 8 तारीख आपके वर्क प्लेस पे स्ट्रेस रहेगा, ये बात बराबर ध्यान रखिएगा। और 14 और 15 तारीख को आपके लिमिट से बड़ी प्रॉमिस नहीं कर दीजिएगा, किसी को वरदान नहीं दे दीजिएगा 14-15 को, नहीं तो ये वरदान आपको समेटते समेटते बहुत तकलीफ पड़ेगी। हेल्थ के लिए 2nd एंड 3rd मार्च यू टू बी वेरी केयरफुल। स्टूडेंट के लिए मैं मानता हूं ये पूरा अप्रैल तक, 30 अप्रैल तक सितारे बहुत बुलंद है, इसमें से 24, 25, 26, 27 बहुत अच्छा टाइम है, पूरा यूटिलाइज करिएगा। एग्जाम का प्रिपरेशन अप्रैल के पहले हो जाना चाहिए, इतनी स्मार्टनेस रखिएगा। 30 अप्रैल के बाद स्टूडेंट के सितारे अपनी फेवर में नहीं रहेंगे, मोहब्बत करते हैं उनके लिए 9 और 23 एकदम बेस्ट है। 3रा शुक्र किसी पड़ोसन को प्रपोजल करना चाहते हैं, पड़ोस में प्रपोजल रखना, विवाह के लिए बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं। विवाह के लिए 16-17 भी बेस्ट है, डेटिंग करना हो तो 16-17 बेस्ट है, और 23rd को प्रपोजल के लिए बेस्ट रहेगा। शेयर मार्केट के लिए मैं समझता हूं 7 तारीख आपके लिए बेस्ट है, मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए। 18-19 फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, और 28-29, 30-31 शेयर मार्केट में से शेयर बेच के बाहर निकलने के लिए, यानी कि इंट्रा के लिए आपके लिए छत पर पैसे की बारिश हो सकती है 28, 29, 30 और 31। थैंक यू वेरी मच।